दोस्तों यदि आपकी कोई वेबसाइट ब्लॉग है और आप अपने ही वेबसाइट ब्लॉग में इमेजेस रन कराना चाह रहे हैं स्लाइड के रूप में, वो भी विदाउट प्लगइन, आप चाह रहे हो कि मेरे वर्डप्रेस वेबसाइट ब्लॉग के अंदर मुझे कोई भी वर्डप्रेस प्लगइन इंस्टॉल नहीं करना पड़े और मेरी इमेजेस स्लाइड रन हो जाए बड़ी ईजिली तरीके से, तो वो कौन सी टिप्स है, क्या है तरीका, आज के हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। अगर आपको कोडिंग का नॉलेज नहीं है और आप प्लगइन यूज ना करना चाह रहे तो आप इस वीडियो को देखिए शुरू से लेकर लास्ट तक, इसमें आपको बेस्ट टिप्स मिलेगी इमेजेस को रन कराने की जो हमें एडर पर रन कराती है अपनी वेबसाइट में। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बेसिक कंप्यूटर हिंदी। तो दोस्तों यहाँ पर हम स्लाइड रन कराएंगे अपने जो मेन्यू बार है इसके नीचे, हम कोई प्लगइन यहाँ पर डाउनलोड इंस्टॉल करना नहीं चाह रहे, ठीक है। तो सिंपल हमको करना क्या है दोस्तों, हमें सबसे पहले अपने वर्डप्रेस थीम की एडिटर सेक्शन को ओपन कर लेना है। तो हम डैशबोर्ड में आ चुके हैं, तो यहाँ पर है थीम, यहाँ पर है एडिटर, एंड दोस्तों सेटिंग ओपन होने के बाद नीचे आएंगे, यहाँ है हेडर, क्योंकि हमें अपनी स्लाइड को हेडर में चलाना है। एंड हमारा हेडर सेक्शन खुल चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर पहली प्रोसेस ये है दोस्तों, आपको मीडिया में जाना है एंड लाइब्रेरी को ओपन कर लेना है। मीडिया के अंदर दोस्तों आपको अपनी वो इमेजेस यहाँ पर डालनी होगी जिसे आप रन कराना चाह रहे हैं स्लाइड पर। तो एड न्यू पर क्लिक करेंगे एंड सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपके कंप्यूटर लैपटॉप का जो डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो जाएगा, जो आप यहाँ से इमेजेस को डाल सकते हैं। तो मैंने पहले से ही ऑलरेडी डाल कर रखी हुई है। यहाँ पर एक स्कूल से रिलेटेड वाला यहाँ पर बैनर है, मैं इसको रन कराऊँगा, ठीक है। तो मैं इसको ओपन अभी रहने देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर हम करेंगे क्या, नीचे आएंगे तो यहाँ पर हम एक कोड डालेंगे बस, और कुछ नहीं, उसमें थोड़ा कॉपी पेस्ट करेंगे और कोड में कुछ भी हम उसमें करेक्शन नहीं करेंगे। आपको कोड यही मिलेगा wire2tutorial.com के से, मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। अब आपको पूरा कोड बिल्कुल कॉपी नहीं करना, आपको मार्क्यू से लेकर मार्क्यू ऑफ तक करना है, यानी क्लोज तक, ठीक है। मार्क्यू टैग है जो क्लोज है, यहाँ तक करना है। सिंपल से इसको कॉपी कर लेना है और अपने थीम एडिटर सेक्शन में आ जाना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना है। इतनी बात क्लियर हो गई। एंड दोस्तों आपको करना क्या है, अब जो ये पेथ है इमेजेस का वो आपको चेंज करना है। यहाँ तक ये इमेजेस का पेथ होता है, अब वो इमेजेस तो यहाँ चल रही है, अब यहाँ पे इमेजेस थोड़ी, ये लाइब्रेरी में है नहीं ये अपनी इमेजेस, तो ये रन नहीं होगी, अपन को ये इमेजेस चलानी है। तो हम क्या करेंगे, इतनी जो इमेज का जो पेथ है इनको हम डिलीट कर देंगे, है ना, इसको हटा देंगे, ये देखिए हटा दिया। अब यहाँ अपना पेथ डालेंगे अपनी इमेजेस का, तो हम लाइब्रेरी में आएंगे, पेथ कौन सा है इसका, देखिए ये इमेजेस का पेथ होता है। एंड कॉपी URL टू क्लिपबोर्ड, सिंपल सा इस पर क्लिक करेंगे कॉपी हो जाएगा। सिंपल सा यहाँ पर थीम एडिटर में आएंगे तो यहाँ पर कोड को पेस्ट कर देंगे। इतनी बात समझ गई, अब आपको कुछ नहीं करना और अपडेट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको रिफ्रेश करना है, तो देखिए इमेजेस चल रही है। अब आपको लग रहा है ये तो काफ़ी छोटी है, तो हमें तो बड़ी चाहिए इमेजेस, जो प्लगइन से रन कराते काफ़ी अच्छी भी आती है इमेजेस, कोई इशू नहीं है, बस आपको साइज तो मेंशन करना है, वो भी आप कर सकती। सिंपल सा आपको जाना है थीम एडिटर में, देखिए यहाँ साइज कितना है 120 पिक्सल है, आपको बढ़ा देना है बस। सिंपल सा 1200 कर देता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर कर देता हूँ 400 हाइट को, बस अपडेट कर देना है ईजिली, और कुछ करना ही नहीं है आपको। एंड मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए आपकी इमेजेस रन होने लगी। कोई इसमें कोई ज़्यादा मैंने बड़ा काम किया ही नहीं है, केवल थीम एडिटर ही तो खोला है। अब दोस्तों आपको लग रहा है कि मुझे टॉप पे चलाना है ना, तो थोड़ा आपको करना क्या है, तो देखिए स्लाइड पूरी रन हो जाए, आपको दिख भी जाए, काफ़ी अच्छी लग रही है ना, काफ़ी, और बैनर भी काफ़ी शानदार है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर आपको इसको कॉपी कर लेना है, सॉरी यहाँ तक रहेगा कॉपी करके, ठीक है, कट करना है, कॉपी नहीं करना, क्योंकि ये अपन को ऊपर चलानी है, ठीक है। मार्क्यू तक लेना है पूरा टैग को, ठीक है, तो यहाँ तक मैं ले लेता हूँ, यहाँ तक, ठीक है। एंड दोस्तों आपको ऊपर चलाना है तो आपको यहाँ पर क्लोज टैग है हो वहाँ से आपको पेस्ट कर देना है, तो मैं यहां तक कर देता हूं, ठीक है, और अपडेट कर देता हूं, बस रिफ्रेश करेंगे, हमारा काम ओके। शायद नहीं आया, गड़बड़ हुई, रिफ्रेश दोबारा करते, शायद मुझे लगता है ऊपर रखना होगा मुझे कोड,
ओहो, यहाँ पर फिर से मुझे कोड रखना पड़ेगा, कुछ रॉन्ग हो चुका है। कोई नहीं, फिर उसे मार के उठाएंगे हम। तो यहाँ पर कुछ कोड का मिस हो रहा है। हाँ, यहाँ पर इस कोड को लेंगे दोबारा से, ये थोड़ा गलती से यहाँ पर आ गया। यहाँ पर रखेंगे दोस्तों, हम यहाँ रखेंगे क्योंकि यहाँ क्लोज हो रहा है तो मैंने देख नहीं पाया। तो सिंपल सा मैं इस पर यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, अपडेट कर देता हूँ एंड यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ। तो आपके जो ऊपर है वो यहाँ पर रन होने लगी है ना। तो इस तरह से हम विदाउट प्लगइन यूज किए आसानी से यहाँ पर स्लाइड को रन करा सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा दोस्तों। इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। ओके फ्रेंड, थैंक्स एंड बाय बाय।